हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़ोटो में दिखाया गया इस अम्ब्रेला अबाया को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3.5 मीटर का रेयन फैब्रिक इस्तेमाल किया है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए गए बेल वाली बटन को भी दबा दीजिए। सबसे पहले मैं आपको पेपर पर एक रफ आइडिया दे देती हूँ। मान लीजिए ये है हमारी 3 मीटर की फैब्रिक, जिसको हम पहले एक बार फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इसे ट्रायंगल में और एक बार फोल्ड करेंगे, जिस तरह से अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग होती है। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारा 7 या 8 इंच आ रहा हो वहाँ पे हम अपना शोल्डर डालेंगे और बोन साइड पे नेक डालेंगे और कुली साइड में हम अपनी आर्म होल डालेंगे। आर्म होल डालने के बाद हमारी जो फिटिंग लाइन है इसको हम कमर की नीचे तक आने के बाद इसे एक स्लांट लाइन में हम नीचे तक ले जाएंगे और इसकी लेंथ होगी 55 इंच। इस तरह से हम पूरी राउंड में 55 इंच में इसे एक राउंड शेप देते हुए हम इसे कटिंग करेंगे। और साइड की कॉर्नर्स पर हमें कुछ नीचे की दोनों साइडेड पर हमें जॉइंट डालनी पड़ेगी, तो मैं आपको कटिंग करते हुए अच्छे से समझा देती हूँ हम किस तरह से इस पर जॉइंट डालेंगे। इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद साइड में से बची हुई जो फैब्रिक होगी इसको हम इस तरह से यहाँ पर जॉइंट डालेंगे। कटिंग के बाद हमें इस तरह की दो पीसेस मिल जाएगी और बची हुई 1/2 मीटर से हम अपनी स्लीव्स को निकालेंगे और इस तरह से हम साइडेड पे इसकी जॉइंट डालेंगे। और यहाँ पे 3 मीटर फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड करके अच्छे से बिछा दिया है। इसके बाद हमें इसे ट्रायंगल में फोल्ड कर लेना होगा। अब हम अपनी किसी पुरानी कुर्ती को इस तरह से इस पर प्लेस करेंगे, बोन साइड के साथ बोन साइड और कूलर साइड के साथ कूलर साइड मिलाते हुए। इसके बाद हमें इसकी शोल्डर जहाँ पे आ रहा हो वहाँ से हम मार्किंग करेंगे। इस तरह से अच्छे से बिछाने के बाद हम इसको सेम टू सेम मार्किंग करेंगे, लेकिन फिटिंग लाइंस की वहाँ पर सिर्फ हमें कमर के नीचे तक ही मार्क करना होगा। बिछाने के बाद हम सेम टू सेम इस पर 1 इंच छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद कमर के नीचे आने के बाद हम, जैसा कि मैंने पेपर में बताया था, सेम इसी तरह से इस पर लाइन डालेंगे। अब इसकी लेंथ डालेंगे सिलाई मार्जिन को जोड़ते हुए 56 पर और साइड की हिस्से में हमें जॉइंट डालना होगा। कटिंग के बाद साइड में से जो हिस्सा हमें मिलता है उसी से हम नीचे की जॉइंट डालेंगे। अब इस पीस को हम इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए बिछाएंगे और इसके बाद हम इसे जॉइंट डालेंगे और इसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। अब हमें इसकी फ्रंट पीस पर नेक और आर्म होल पर और थोड़ा सा शेप देंगे, नेक को और थोड़ा गहराई डालेंगे, लेकिन इससे पहले हमें इसकी बैक पीस को अलग कर लेंगे। अब हमें बाकी के 1/2 मीटर फैब्रिक को इस तरह से फोर फोल्ड कर लेना होगा, जिसकी चौड़ाई है 12 इंच। और जिस कुर्ती से कटिंग किया था उस कुर्ती की स्लीव्स को इस तरह से बिछाएंगे और सेम टू सेम मार्किंग कर लेंगे। लेकिन इसकी बोन साइड के साथ बोन साइड और कूले साइड के साथ कूले साइड को हम मिलाकर इसे बिछाएंगे। स्लीव्स की कटिंग भी हो चुका है और दोनों पीसेस को मैंने नीचे से जॉइंट डालकर तैयार कर लिया है। और इनकी नेक पर हम जिस तरह से नॉर्मल कुर्ती पर नेक पट्टी डालते हैं सेम उसी तरह से नेक पट्टी डालेंगे और इनकी स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। पूरा होने के बाद आप देख सकते हो हमें कितना ज़्यादा गहरा मिला है और इसकी नेक को मैंने सी नॉर्मल कुर्ती की तरह ही नेक पट्टी डाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।